बद्री विशाल मंदिर जागड़ा पंच पोरवाल ट्रस्ट मंडल की बैठक स्थानीय बद्री विशाल मंदिर पर संपन्न हुई, जिसमें संस्था अध्यक्ष रणछोड़लाल पोरवाल का निधन होने पर ट्रस्ट मंडल द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसके बाद संस्था के नए अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी का गठन सर्वानुमति से किया गया, जिसमें संरक्षक राधेश्याम कामरिया, अध्यक्ष नंद किशोर पोरवाल, सचिव अशोक पोरवाल, अभिभाषक उपाध्यक्ष कैलाश सेठिया, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र पोरवाल, सह सचिव रमेश फरकिया को मनोनीत किया गया। इस मौके पर ट्रस्ट मंडल सदस्य प्रकाश चंद पोरवाल, देवेंद्र सेठिया, बद्रीलाल पोरवाल, किशनलाल कामरिया, मोहनलाल काला, ज्ञानेश्वर पोरवाल, सुरेश पोरवाल, दिलीप मेहता, अनिल पोरवाल आदि लोगों ने मौजूद पदाधिकारियों का स्वागत किया। जगदीश भाई इधर देखो जरा, बड़ा ही खुशी और हर्ष का विषय है कि पोरवाल समाज नागदा के नव निर्वाचित अध्यक्ष हमारे नंद किशोर जी पोरवाल आज सर्वसम्मति से समाज के अध्यक्ष बने, और इसीलिए हम पोरवाल समाज और नगर के गणमान्य नागरिकों के साथ उनके निवास पर पहुंचकर उनका स्वागत अभिनंदन करना आए, और हम नए अध्यक्ष आदरणीय नंदकिशोर जी पोरवाल से समाज को भारी काफ़ी अपेक्षा है कि इनके कार्यकाल में समाज और लगातार पहले भी नागदा में विकास पोरवाल समाज कर ही रहा है और निरंतर आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब नए मार्गदर्शन में और हम आगे इनसे यही इच्छा जाहिर करते हैं कि समाज और प्रगति करे, विकास करे और समाज आगे बढ़े। नागदा के सम्मानीय नागरिकों, पोरवाल समाज के इस मित्रों, जैसा कि जगदीश जी ने बोला है कि आज हमारे समाज के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। मुझे भी लगा निश्चित ही आज हर्ष का विषय है। जैसा कि पोरवाल समाज समाज के लिए तो करता ही है, जिस प्रकार से उन्होंने लॉकडाउन के दौरान जितनी सेवा समाज की करी है शायद उतनी किसी ने भी नहीं करी। मैं ये आशा करता हूँ कि समाज के साथ साथ अन्य समाज का भी ये देखभाल करेंगे, उनके लिए कुछ करेंगे, क्योंकि उनके पास साधन हैं, वो साधन संपन्न हैं, और आज कोरोना काल के अंदर पुनः ये स्थिति निर्मित हो चुकी है कि वह अन्य समाज के लिए भी अपनी तरफ से कुछ काम करें। मेरी ओर से उनको ढेर सारी बधाइयाँ, और निश्चित ही बहुत निरंतर काम करते रहेंगे, जैसे कि वो जागरूक हैं और समाज के हित में
के साथ साथ अन्य समाज की भी सेवा करेंगे, मेरी वो तो बधाई। आज बहुत ही खुशी का दिन है, सभी के लिए है लेकिन मेरे लिए बहुत ही विशेष दिन है। भाई साहब को मैं काफी दिनों से कह रहा था कि बागडोर आप संभालो, भाई साहब ने मेरा कहना मानते हुए कोरवाल समाज की बागडोर संभाली है। भाई साहब से मैं यही कहूँगा कि जो काम अभी तक हुए उससे सवा काम करके और इस पद को और भी शोभित करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सब जनों को साथ में लेके चले। बहुत बहुत बधाई भाई साहब को मेरी तरफ से। हमारे बड़े भाई अतुल्य भैया साहब निश्चित उनसे ऐसा विश्वास है, उनकी ऊर्जावान जो मदद दी है चाहे वो अपने कार्य क्षेत्र में हो चाहे व्यावसायिक क्षेत्र में हो, अब समाज की जो इन्होंने बागडोर संभाली है हमें पूर्ण विश्वास है कि पहले बहुत अच्छे से कोरवाल समाज ने काम करे हैं, निश्चित पिछले कोविड टाइम पे भी उन्होंने खूब सेवाएं दी है। अब ये ऊर्जावान और एक अच्छे मार्ग को पहचानने वाले भाई साहब बहुत अच्छा सेवा करेंगे समाज की, ऐसा विश्वास है और अन्य समाज में भी ऐसे ही ये निरंतर लगे रहेंगे। आज ये शहर के प्रमुख व्यवसायियों में से हैं, मैं यही उम्मीद करता हूं और पूरा विश्वास करता हूं उनकी सेवाएं भावनाएं हमेशा नगर को मिलती रहेगी। कोरवाल ट्रस्ट मंडल की अति महत्वपूर्ण बैठक में श्री नंदकिशोर जी कोरवाल साहब को सर्वसम्मति से कोरवाल समाज नागदा का अध्यक्ष चुना गया और उसी के अनुरूप मंडल में सचिव के लिए अशोक जी कोरवाल वकील साहब और कोषाध्यक्ष के लिए श्री सुरेंद्र जी कोरवाल सर्वसम्मति से चुने गए। पूरे ट्रस्ट मंडल को बधाई, नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई, समाज इसी प्रकार पूरे नगर के लिए पिछले वर्ष भी काम करता आया है और एक बड़े पैमाने पर जो कोरोना काल में सेवा की गई उसी के अनुरूप नगर के किसी भी कार्य में कोरवाल समाज हमेशा अग्रणी रहा है और अग्रणी रहेगा। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई, समाज इसी प्रकार और निरंतर उन्नति करे, जय हिंद। जी को कोरवाल समाज के अध्यक्ष बनने पर अंतर्मन की गहराई से बधाई है और आपके मार्गदर्शन में समाज निरंतर प्रगति करे यही भावना। कोरवाल समाज एवं नागदा के और समाज है जो मेरे को सुशोभित किया है, मैं उनका बहुत आभारी हूँ और भविष्य में जो भी कार्य समाज के लिए एवं अन्य समाज के लिए करूँगा बहुत ही अच्छी तरीके से करूँगा, जहाँ तक मेरे से संभव होगा मैं पूरा का पूरा उसके लिए नौजवान हो जाऊँगा। आज कोरवाल समाज के मेरे पिताजी को अध्यक्ष बनाया गया, उसके लिए सभी समाज के गणमान्य नागरिक आए और उन्होंने स्वागत के लिए उसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त।